हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के अड्डा एप्लीकेशन के लिए एक अनलिमिटेड ऑफर लेके आया हूँ। हाँ फ्रेंड्स, सबसे ही सुनो, अनलिमिटेड ऑफर जिससे आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। ना कि आपको किसी को शेयर करना है, ना कि आपको कुछ भी करना है, आप अपने ही फोन से उसको अनलिमिटेड लूट सकते हैं दोस्तों, ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आगे तक देखिए। तो जो ओल्ड यूजर है अड्डा एप्लीकेशन के लिए, वो तो ये वीडियो देखा, जो न्यू यूजर ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिए। चलो फ्रेंड्स, बिना वक्त का बढ़ जाएगा तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको इन तीनों एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं अड्डा एप्लीकेशन खोलकर मैं अपना बैलेंस चेक कर देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं अड्डा एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ये ओपन हो रहा है ओपन, तो इसको हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ओपन नहीं हो। तो ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, मेरा बैलेंस देख सकते हैं 140 रिसीप है। तो यहाँ पर ओपन कर तो देख सकते हैं 140 रिसीप है, मैं आपको लाइव मेरा बैलेंस दिखा दिया। उसके बाद सिंपली बैक आना है, बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में आना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको व्यू ऑल रिक्वेस्ट पर जाते हैं। व्यू ऑल रिक्वेस्ट पर आ जाने के बाद दोस्तों, उससे मैंने अपने खुद ही अकाउंट क्रिएट किया, रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसके काफ़ी सारा अर्न कर लिया। तो उसके बाद इसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको 5 रिसीप क्रेडिट हो जाएगा एक एक एक्सेप्ट के। तो मैं इसको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो एक्सेप्ट हो गया, तो अब सिंपल इसको बैक आ जाते, देखते बैलेंस भरा कि नहीं भरा। देखिए फ्रेंड, 140 रिसीप था लाइव, 150 हो गया दो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये कैसे कर सकते, आप खुद ही रिक्वेस्ट भेज सकते। तो सिंपली आपको इसको बैकग्राउंड से काट देना है। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन करना है टेक्स्ट नाउ का एप्लीकेशन। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको आखिर तक देखना। उसके बाद दोस्तों आपको गेट अ फोन नंबर पर क्रिएट करना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। आप कोई भी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने कोई भी एक डाल दिया। उसके बाद मैं क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना तो आपको यहाँ पर क्रिएटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको नॉट नाउ पर क्लिक कर देना। नॉट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको इसको स्किप कर देना। स्किप कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आया, आप इसको डोंट यूज़ माई लोकेशन कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्री को टाइप करना होगा, कोई भी एक टाइप करके मैं हम देख लेते हैं। तो ये वाला अवेलेबल है, तो ये हो गया, ये यूनाइटेड स्टेट का है। उसके बाद हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे आपका गेटिंग फोन नंबर बोल रहा है, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको और टाइप करते हैं। तो ये भी नहीं है, तो ये वाला टाइप करके देखते हैं। तो यहाँ पर गेटिंग फोन नंबर बोल रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं वो नंबर अवेलेबल है कि नहीं। तो हो, ये अवेलेबल है, एक मिनट के अंदर आपको नंबर चूज़ करना है। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये नंबर फ्री है फ्रेंड्स, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको इंस्टेंट ओटीपी भेजता है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कर देना है इसको स्किप। स्किप कर देने के बाद आपका नंबर हो गया तैयार। उसके बाद आपको इस पर टैप करके, नंबर पर टैप करके आपको कर देना नंबर कॉपी। उसके बाद इसको बैकग्राउंड से काट देना। उसके बाद आपको ओपन करना है एपीके क्लोनर प्रो। फ्रेंड्स, मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ऑफर ही कुछ ऐसा है, मैं आपका बग ज़्यादा नहीं करना चाहता इसलिए। तो दोस्तों यहाँ पर एपीके क्लोनर प्रो ओपन हो रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आपको करना है अड्डा एप्लीकेशन को ओपन, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चेंज आइकॉन भी कर सकते हैं आपके मर्जी से, कुछ इस टाइप का आपको पहचाने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए। उसके बाद आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं आपकी मर्जी से, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी एंड ऑप्शन है, तो आपको उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको कर देना है इनकम्युनिकेटिव मोड को ऑन। जब इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने कुछ ओके का ऑप्शन बनेगा, इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चेंज एंड्रॉइड आईडी, ये दोनों पे टिक रहने दीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद कर दीजिए ओके, अगर ये दोनों पे टिक नहीं रहेगा तो आप पकड़ जाएंगे। तो उसके बाद हाइड आईएमए कर दीजिए दोस्तों इस टाइप से। उसके बाद दोस्तों आपको आना है हाइड वाईफाई एमएससी एड्रेस को भी इनेबल कर देना है। उसके बाद स्पोर्ट लोकेशन को आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आना है आपको राइट पर क्लिक करना है। जब आप राइट पर क्लिक करें तो आपका ऐप कुछ क्लोन बन रहा है, तो मैं इसको थोड़ा पुश करता हूँ जब तक क्लोन बन नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, ये मेरा क्लोन बन गया। अब इसको कर लेते सिंपल इंस्टॉल, एप्लीकेशन में क्लिक करके इसको कर लेते हम इंस्टॉल। तो जब तक इंस्टॉल हो जाता वीडियो को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो क्लोन है वो बन चुका है। उसके पहले आपको क्या करना है, एक काम करना है, उसके पहले आपको आना है इस वाले अड्डा एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपको आना है अपने प्रोफाइल पे। तो प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर आने के बाद आपको जो यहाँ पर वो जो नंबर है @Rahul1516, तो आपको ये कर देना है। आपको किसी पर नोट, यहाँ पर देख सकते 150 बैलेंस है। तो अब मैं सिंपली इसको करता हूँ अनइंस्टॉल, आपको ये अनइंस्टॉल करना है ताकि आप पकड़े ना जाए इसीलिए। तो अब इसको करना है आपको ओपन। जब आप इसको ओपन करने के बाद आपको सामने कुछ जो पहले वाला इंटरफेस आएगा आपको तो पता ही, तो इसको अलाउ कर देना है, एक्सेस कर देना है सभी को। एक्सेस कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना है, एक्सेस हो गया। तो अब मैं लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो कंट्री कोड इंडिया का है तो इसको इरेज कर देना है, और यहाँ पर एक टाइप करना है, और यहाँ पर अपना जो नंबर कॉपी किया था टेक्स्ट नाम पर इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद कर देना है नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ओटीपी भेजेगा टेक्स्ट नाम एप्लीकेशन पर, जो इंस्टेंटली आ जाते। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर जो ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर है 9882 14, तो 9882 14 टाइप कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, जो मेरा अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर जब अकाउंट वेरीफाई हो, तो यहाँ पर आप कुछ भी एक नाम डाल दीजिए, क्योंकि आपको तो ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। अगर ओरिजिनल अकाउंट में आप अपना नाम डाल दीजिए, उसके फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई भी एक पिक्चर अपलोड करनी होगा, नहीं तो आप नेक्स्ट पर नहीं जा पाएंगे। तो उसके बाद मैं एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों आपको मैं सलाह देता हूँ, आप अपना पिक्चर मत अपलोड कीजिए। इससे क्या होगा, जो कंपनी है वो इन पिक्चर को स्टोर कर रहा है, कोई भी कंपनी बताता तो नहीं, लेकिन आप जो भी डिटेल्स फिल करते हैं उसके अंदर वो सभी स्टोर होता है। तो उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके कर लेता हूँ उस पिक्चर को। तो ये पिक्चर सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बैक आ जाने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा 25 रिसीव नहीं दिया। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं, हमारा 25 रिसीव जो है बैलेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। अगर वेट में बैलेंस नहीं आ गया तो आप रिक्वेस्ट भेज नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, जब तक बैलेंस नहीं आ जाता तो तब तक वीडियो को थोड़ा पुश करता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बैलेंस आ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया था ये वही वाला अकाउंट है, कोई डुप्लीकेट अकाउंट नहीं है। तो आप यहाँ पर भी बैलेंस देख सकते हैं, बैलेंस दे दिया। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आपको पैसा आने में क्यों थोड़ा लेट होता है इस ट्रिक से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अड्डा क्लोज इंटीग्रेटर ऐप। तो इस ऐप को आपको दोस्तों ओरिजिनल एप्लीकेशन जो है उसको कर देना है आपको अनइंस्टॉल। उसके बाद ही आपको ये ऐप अनइंस्टॉल कर देने के बाद आपको सभी एप्लीकेशन का क्लियर डाटा करके रिबूट कर देना है और आईपी चेंज कर देना है। उसके बाद ही आपको ओपन करना है। तो उसके बाद इसको आपको करना है फॉलो पर क्लिक, आपका प्रोफाइल का नेम आपको कर देना है कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर आप जब बेस्ट, तो मेरा तो याद है तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है फॉलो पर। फॉलो पर आने के बाद आपको यहाँ पर करना है अपना प्रोफाइल नेम टाइप। तो यहाँ पर मैं अपना कर देता हूँ 1516। उसके बाद कर देना सिंपली सर्च। उसके बाद मेरा ओरिजिनल जो अकाउंट है वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर दोस्तों मेरा बैलेंस भी शो हो रहा है ओरिजिनल का, देख सकते हैं 150। अब इसको कर देते एज अ फ्रेंड एंड रिक्वेस्ट सेंड। जब इसको रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो मेरा यहाँ पर 5 रिसीव कर जाएगा। इसको फॉलो कर लेते हो यहाँ से, तो इससे क्या होगा, मेरा यहाँ पर 25 था, आप देख सकते 20 हो गया, क्योंकि 5 रिसीव कट गया, उसके पास चला गया। तो अब इसको क्या करना होगा, अब इसको कर देना होगा क्लियर डाटा। तो मैं चलिए इस ऐप को आप अनलिमिटेड, तो मैं ओरिजिनल एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ओरिजिनल एप्लीकेशन को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर था, कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऐप को कर देना है क्लियर डाटा, और टेक्सना को भी, टेक्सना और इस ऐप को क्लियर डाटा करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले मैं ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कर लिया ओरिजिनल एप्लीकेशन को डाउनलोड, आप इसको स्टोर करके रखिए किसी भी। तो उसके बाद मैं आपके सामने इसको लॉग इन करके 5 रिसीप बढ़ा कर दिखाऊँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं 150 रिसीप था। तो अब मैं सिंपली लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पर अपना ओरिजिनल जो अकाउंट का नंबर है उसको टाइप कर देख लेते हैं हमारा पॉइंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ताकि आप ना सोचें, क्योंकि मैं अब गलत बता रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ठीक से समझ पाए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर 9 7 6 8 8 3 9 7 6 8 8 3, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई कोड, तो यहाँ पर कोड हो गया वेरीफाई। तो यहाँ पर हमारा जो अकाउंट है ओरिजिनल अकाउंट वो खुलकर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आपको बैक प्रेस करना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल रिक्वेस्ट पर टाइप करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं, व्यू ऑल रिक्वेस्ट पर जब टाइप करेंगे तो ये मेरा एप्लीकेशन का जो क्लोन बनाया था इसका रिक्वेस्ट आ चुका है। तो इसको कर लेते एक्सेप्ट, और यहाँ पर ये वाला भी मैं कर लेता हूँ इसको एक्सेप्ट। जब इसको एक्सेप्ट कर लिया, अब देखते हैं मेरे बैलेंस 160 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा 160 रिसीव हो गया। आप इसको अप्लाई कीजिए, आपका भी हो जाएगा, एक ही फ़ोन से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जब आप क्लोन बना लेंगे तब को ये ओरिजिनल एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देना होगा। ओरिजिनल एप्लीकेशन को अपने फाइल में स्टोर करके रखिए, उसके बाद में आप इंस्टॉल कर लेना, 100-200 रिक्वेस्ट भेज देना, उसके बाद एक साथ सेट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, टेक्स्ट नाउ को भी क्लियर डाटा कर लेना होगा, फिर आपको नंबर क्रिएट करना होगा उसी वाले प्रोसेस पर। और इस पर आपको कुछ नहीं करना है, क्लोन वही रहने दीजिए, उस क्लोन वाले एप्लीकेशन को भी आप क्लियर डाटा करके कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही।